दूसरा मैंने माइंड को कैसे शुरू किया, ये 2 मिनट में आपसे मैं बात करता हूँ। काफी देर पहले मैं बैच फ्लावर में काम किया करता था, उसके रिजल्ट मैंने इतने अच्छे देखे थे कि 4-5 केस मैंने ठीक किए जिसमें हम ओनली माइंड सिम्टम लेते थे, और वो मिरेकल हुआ था जब ये 1985 की बात है। तो एक लड़की थी हमारे पास जिसको बहुत ज़्यादा बाट्स थे बने हुए, 20-25 बाट थे हाथ के ऊपर बने हुए। तो उसको मैंने एक ही सिम्टम पे मेडिसिन दी कि या तो इसको काट दो या ठीक कर दो। ये एक हमारी बैच की एक क्रैबएप्पल मेडिसिन है, ये उसका सिम्टम है। तो मैंने क्रैबएप्पल की 7-8 डोजे दी, वो बिल्कुल ही ठीक हो गया। और भी 3-4 केस ऐसे थे जिनको हमने ठीक किया। तो मेरे माइंड में चल रहा था बहुत देर पहले से कि होम्योपैथी में ऐसा क्यों नहीं होता कि अकेले माइंड के ऊपर ही कोई बात हो तो शायद ठीक हो जाए, कि हम फिजिकल में इतना उलझ जाते हैं, कभी वो पेशेंट चिल्ली है या हॉट है। तो मेरे पास मेरा इतना एक्सपीरियंस इसमें ज़्यादा नहीं था कि हम माइंड के ऊपर काम कर सके, लेकिन जो बैच के ऊपर काम करने के बाद मेरे को ये लगा कि होम्योपैथी में भी ऐसा अगर हो तो बहुत अच्छा हो सकता है। कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अगर माइंड की एक ही बात के ऊपर ये बैच की रेमेडी ने इतना अच्छा काम किया, व्हाई नॉट होम्योपैथी। तो इतने में ही मैंने एक बुक देखी और मेरे किसी सीनियर डॉक्टर ने, डॉक्टर लाभ सिंह जी हैं जो हमारे पास धूरी में ही काम करते थे, उन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने एक डॉक्टर सैगल साहब की बुक देखी है जो अकेले माइंड के ऊपर काम करते हैं। तो हमने उसके बाद ये शुरू किया। तो मैंने बुक्स ली, उनका 4th वॉल्यूम देखा पहली बारी। तो 4th वॉल्यूम के बाद जब हम स्टडी किया तो मैं डॉक्टर सैगल के पास सीधा पहुंचा। वहां पर जाके गुरुजी को नमस्कार किया, उनसे सीखना शुरू किया। तो उनके बाद ये हमारी जर्नी स्टार्ट की। तो ये हमारी छोटी सी जर्नी थी जहाँ से मैंने, मेरे को लगा कि माइंड के ऊपर काम करके होम्योपैथी इतना अच्छा काम करती है। पहले हम क्लासिकल में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते थे, लेकिन ये तो कमाल ही हो गया जब हमने होम्योपैथी शुरू की, बेलाडोना से जर्नी शुरू की। तो देखा कि बेलाडोना, जिसको हम ऐसे ही मानते थे कि ये तो शायद अक्यूट मेडिसिन है, कभी रेडनेस है, हॉट है, स्वेलिंग है, उसमें यूज करते थे। लेकिन जो डॉक्टर सैगल साहब, हम उनके ऋणी हैं, हम उनका ये जो देन है होम्योपैथी के लिए, हमारे ऊपर जो एहसान है हम कभी नहीं भूल सकते। हमारे उसके बाद डॉक्टर संजय सैगल साहब हमारे गुरु, डॉक्टर जोगेश सहगल साहब हमारे गुरु, डॉक्टर प्रेम शर्मा भी उनमें आए। तो इन्होंने, सब लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करके हम लोगों को आगे बढ़ाते रहे, और आज तक भी हमारे साथ इन लोगों का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, हमें टाइम टू टाइम ये लोग हमारा सहारा बनते हैं, हमें गाइड करते रहते हैं। तो ये तो हमारी इंट्रोडक्शन थी आपके सबके साथ लोगों के। हाँ, सबसे पहली बात ये मैं कहना चाहूँगा कि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मेरे को इतना बोलना नहीं आता, मेरे को टीच नहीं करना आता। मैं तो जस्ट अपना जो मैं करता हूँ उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जो सबसे हमारी पहली मेडिसिन जो हम कॉलेज में शुरू करते हैं, एकोनाइट। तो एकोनाइट के हम बारे में कुछ बात करेंगे। जो एकोनाइट का मैंने इतना अच्छे रिजल्ट देखे, जब शुरू में हमने एक केस देखे ऐसे, वो हम केस भी शुरू करें देखेंगे। तो हम इसके जो पहले वाले सिम्टम हैं जिनके ऊपर हम प्रेस्क्राइब करते हैं, हम लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, एकोनाइट के कुछ रूब्रिक है जिनको हम प्रैक्टिस में बहुत ही बार यूज करते हैं, और उनके इतने अच्छे रिजल्ट हैं कि जिनको हम सोच भी नहीं सकते कि ये एकोनाइट ऐसा भी कुछ कर सकती है, जिसको हम बड़ी अक्यूट और शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन मानते थे। ये मेडिसिन शॉर्ट एक्टिंग नहीं है, ये बड़े बड़े क्रॉनिक केस निकालती है। और मैंने, हम भी अपनी मेरी प्रैक्टिस में भी देखा है, अक्यूट केसेस में भी और क्रॉनिक केसेस में भी इनका, इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने देखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो एकोनाइट का सबसे मेन सिम्टम हम क्या लेते हैं, कैरिटीज आर टू बी फास्ट है इसमें। तो पेशेंट क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब प्लीज मैं बहुत जल्दी ठीक कर दो मेरे को, और मेरे को बहुत जल्दी ठीक कर दो, मेरे से तकलीफ सही नहीं जा रही, मेरे को बहुत तकलीफ होती है, ऐसा है कि मेरे से ये चला नहीं जाता। मेरे वो पेशेंट इतना रेस्टलेस होता है इसमें, इतनी रेस्टलेस होती है कि उसको लगता है कि बहुत जल्दी कोई ऐसा ट्रीटमेंट मेरे को, या कोई ऐसी दवा मेरे को मिल जाए जिससे मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं।
ये आम प्रैक्टिस में हम ये ऐसा ही पेशेंट कहेगा आपको आकर के कि डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी जल्दी कीजिए, मेरे को लगता है कहीं ये बीमारी मेरे को मार सकती है। जैसे फीवर में होता है, हमारे पास कई पेशेंट रहते हैं जो डर जाते हैं फीवर में। इसका मेडिसिन का पर्टिकुलर एक रूब्रिक भी है, एंग्जाइटी शायद फीवर ड्यूरिंग है या फियर फीवर ड्यूरिंग है, वो भी इसमें काम करता है। हाँ ये भी है, हमने रूब्रिक देखा है इसका, तो फियर फीवर ड्यूरिंग भी इसका है। तो जिसमें आदमी को बहुत डर लगता है कि मैं कहीं मर ना जाऊं, उसको मरने का डर बहुत सताता है। ये इसका और भी रूब्रिक है जो मैंने कभी देखा नहीं है, बुक्स में पढ़ा है कि प्रेडिक्ट्स द टाइम ऑफ डेथ, वो मैंने कभी नहीं देखा। हमने यही देखा है जो मैं आपसे साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये इस सिम्टम में बहुत अच्छा काम करती है मेडिसिन, और अक्यूट में भी क्रॉनिक में भी। दूसरा सिम्टम इसके इसके जो हम लेते हैं, ज्यादातर फ्यूजन डिफॉर्म सम पार्ट ऑफ द बॉडी इज, ये सिम्टम बहुत ही काम का सिम्टम है, और मैंने बहुत ही बार इसको यूज किया है अपने प्रैक्टिस में। हमारे पास एक केस आया था, कमलजीत सिंह नाम है उसका, वो गुरायन से है। पहले भी मैंने काफी बार इसके बारे में बात की है हमारे ग्रुप में, हमारे फ्रेंड्स के साथ में। वो पेशेंट को कैंसर का पेशेंट था, उसमें पेट में कोई किसी अलग टाइप का कैंसर था, मेरी अभी याद नहीं है, ये बहुत सालों की बात है। वो पेशेंट मेरे पास आया सुनकर कि आप बैठने के बाद वो इतना डरा हुआ था, वो चेयर के ऊपर कभी इधर बैठता था कभी इधर बैठता था। उसको ये लगा था कि मैं जल्दी से जल्दी डॉक्टर साहब से बात करूं। तो उसने मेरे को बोला कि सर मेरे पेट में इतनी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है, एक में एक गांठ गांठ सी बनी हुई है, मेरे को लगता है कि इसमें एक गांठ सी बनी हुई है, उसकी वजह से ये मेरा शरीर को ये प्रॉब्लम आई है। उसको खुद नहीं पता था कि मेरे को कैंसर है, उसकी बेटी जो साथ में आई थी उसने मेरे को बताया था, और उन्हें बोला था कि पापा को ये नहीं पता कि मेरे को कैंसर है। उसकी उम्र उस टाइम में 53 की थी, कमलजीत सिंह की। तो उसका ये सिम्टम सबसे बड़ा देखा मैंने, मैंने देखा कि जो डिफॉर्म सम पार्ट ऑफ द बॉडी, डिफॉर्म का मतलब क्या होता है, डिफॉर्म्ड जो फॉर्म है उसे डी डी मींस के जो डिफॉर्म हो चुका है, जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंज आ चुकी है। पेशेंट को ये लगता है कि मेरे वो बॉडी के जो अंदर के अंग हैं, जो अंदर के पार्ट्स हैं, जो बॉडी के मेरे जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई खराबी आ गई है। और पेशेंट जनरली ये भी बोलते हैं कि सर ये मेरे अंग में कोई ना कोई खराबी आ गई है, ये खराब हो चुका है, जहाँ इसको कुछ हो चुका है। तो ऐसे पेशेंट बात करेगा, उसने भी यही बोला कि मेरे पेट में कोई नाड़ी में कोई नुक्स पड़ गया है, किसी ने बोला है शायद लिवर में नुक्स पड़ गया है। पेशेंट की लैंग्वेज मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसका कोई सोनोग्राफी की रिपोर्ट नहीं है, ये पेशेंट की लैंग्वेज है उसने क्या बोला था कि इतनी बॉडी में इतना नुक्स पड़ गया है, इसमें मेरे को ये लगता है कि ये कोई खतरनाक प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब अगर आपके पास इसका कोई ट्रीटमेंट है तो मेरे को इस प्रॉब्लम से, इस मुश्किल से निजात दिलाएं। ये पेशेंट की भाषा थी। और बोला कि सर मैंने उसको पूछा कि आप मेरे पास क्यों आए हैं, क्यों मेरे सुन रहे हैं, मेरी बेटी ने मेरे को आपके पास जो लेकर आई है उसने ये बोला मेरे को। और बैठे बैठे ही पेशेंट ने, जब हमारी बात चल रही थी, तो उसने ये बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को लगता है मैं आपसे ठीक हो जाऊँ। हाँ मैंने पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप मेरे से ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब आप जब भी कोई मेरे से अच्छे ढंग से बात करता है, जैसे आपने की, आपने मेरे को दिलासा भी दिया, आप मेरे से अच्छे ढंग से बात कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है शायद मैं आपसे ठीक हो जाऊं। इसको हम लाइट जार में भी लेते हैं, पेशेंट को एक आश्वासन और सहारा और अपनी बीमारी के बारे में थोड़ा उसको चाहिए कि मेरे को पता चले कि मैं ठीक हो जाऊंगा। जो मैंने उसको बोल दिया कि हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ तो आप ठीक हो सकते हैं, तो उसे उसको ये लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। दूसरे उसको ये लगा, इसका ये अगला ब्रेक हम जो जनरली यूज करते हैं, कैरेट जार टू फास्ट केयर एंड कैरेसिस जार फॉर, जो ये इसमें क्या होता है, पेशेंट को लगता है कि कोई अपने से बात करे, ऐसा लगे कि कोई उसको वार्म्थ लगता है, उसको ये आश्वासन लगता है, जो एश्योरेंस होता है, उसको ये लगता है पेशेंट को कि
कि ये डॉक्टर मेरे साथ बड़े अच्छे प्यार से बात कर रहे हैं, और उसको ये भी लगता है कि मेरे साथ अच्छे ढंग से बात हो और डॉक्टर प्यार से बात करे। कोई भी प्यार से बात करता है, फैमिली मेंबर भी उससे प्यार करता है, तो भी उसको अच्छा लगता है। उसके ये बात से उसको ये लगा कि मैं डॉक्टर साहब से ठीक हो जाऊंगा। तो उसमें और अलग अलग रूब्रिक हैं, जो फियर है उसको, फियर ऑफ डेथ है, वो भी उसके साथ में। सर मेरे को लगता है कि जो गांठ सी बनी हुई है, इससे कहीं मैं मर ना जाऊँ, कहीं मेरा ये तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मेरी डेथ हो जाएगी। फिर वो लाइट रिजायर, वो भी पूछना चाहते हैं, वो मेरे से कंफर्म करना चाहते हैं कि मैं उसको बोलूँ कि नहीं ऐसा नहीं होगा। उसके मन की ये इच्छा होगी, ऐसा नहीं होना कहने से भी उसको ये लगेगा कि मेरे से केयरलेस हो रहा है, जो उसको वार्मथ मिल रहा है मेरे से, उसको लग रहा है कि मैं उसकी सपोर्ट कर रहा हूँ। ये एकुनाइट का सिम्टम है। और उसमें डेथ फियर जो है, चिल ड्यूरिंग, जिसको हम सीधा तो हमने कभी देखा नहीं है कि ठंडी लग गई तो उसको डेथ फियर हो गया। डेथ फियर उसको तब होता है जब उसको कोई पेशेंट को बोलता है कि इसका ठीक होना मुश्किल हो जाता है, तो आदमी एकदम से डर जाता है। एकुनाइट में मैंने बहुत बार देखा है, और ये केलो को हमने 2 बार यूज किया है, डेथ फियर चिल ड्यूरिंग हो गया। और एक सिम्टम इसका है कि जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स एमुलेट है। कोल्ड ड्रिंक्स का क्या है, जब आदमी को इतनी प्रॉब्लम रहती है, उसको तकलीफ होती है, उसका मन घबराहट में होता है, उसको कोई आशा की किरण होती है, उससे भी आदमी ठीक होता है। ये दोनों रूपरेखा अलग अलग है, एक तरफ वो डेस्पियर भी होता है चिल से, वो चिल दूसरी है जिससे उसको लगा कि मैं तो एकदम सुन्न हो गया, बात सुन के कि ये बोला कि आपको इतनी सीरियस प्रॉब्लम है। ये बात आम करके पेशेंट करते हैं जनरली, कि सर उसने ऐसा बोल दिया तो मैं तो एकदम ही घबरा गया, एकदम ही मेरा डामाडोल हो गया शरीर, कि मैं तो संभल ही नहीं सका। ये डेस्पियर चिल ड्यूरिंग है, इसके अपोजिट जो मैंने आपको बोला है अभी, कि एंग्जाइटी में है शायद, एंग्जाइटी कोल्ड ड्रिंक्स एम्बुलेट्स, जो घबराहट होती है उस टाइम में आदमी उसको पेशेंट को जब कभी बोलता है कि आप ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं है, आपको ये दवाई ठीक कर देगी, या उसको कोई सहारा नजर आता है तो उससे वो ठीक फील करता है। ये रूब्रिक भी उसी में था, जब पेशेंट उसकी पेशेंट की गुड़िया ने, उसकी बेटी ने उनको कहा कि मैंने डॉक्टर एक बार वहां धूरी में सुना है उसे, एक तो पेशेंट ठीक हुआ है, आप भी शायद ठीक हो जाओ, तो उसको इस बात से होप शुरू हो गई, तभी वो मेरे पास आया था। वो इतना बेचैन था कि वो बिस्तर में नहीं बैठता था। उसका भी हमारे पास एक बड़ा रूब्रिक है, रेस्टलेसनेस टॉजिंग अबाउट, जो ये है कि टॉजिंग अबाउट क्यों होती है, क्योंकि उसको फियर होता है डेथ का, उसको रेस्टलेसनेस होती है कि मैं बेचैन होता है बीमारी की वजह से। ये पेशेंट कभी चेयर पे इधर बैठता था, कभी इधर बैठता था, कभी इधर बैठता था, उसको एक अंदर से डर लग रहा था कि कब डॉक्टर मेरे को ये बोले कि मैं ठीक हो जाऊंगा। वही कोल्ड ड्रिंक्स एमुलेट्स वाली बात इसमें लगेगी। और बेड शैम्स भी होता है इसमें, वो बेड में नहीं बैठता पेशेंट, हो एकोनेट में इतनी रेस्टलेसनेस हो जाती है, वो तकरीबन बोलता है कि सर मेरे से लेटा नहीं जाता, मैं लेटना नहीं चाहता, मेरे से बैठा नहीं चाहता। ये उसकी कॉमन लैंग्वेज एकोनेट के पेशेंट की होती है। तो फियर ऑफ डेथ इसमें होता है। जो कमलजीत सिंह को मैंने एकोनेट 30 उस साल में दिया था, बहुत साल हो गए उस पेशेंट को देखे हुए, तो मेरे को आस नहीं थी कि वो उसको कोई रिलीफ होगा। हमने जस्ट ऐसे ही देख लिया कि पेशेंट आया है तो हम इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो ये डिलूजन बॉडी पार्ट डिफॉर्म में मैंने उसको मेडिसिन दी थी। तो उसका एक अलग रूब्रिक है, जैसे होपफुल अल्टरनेटिंग विद डेस्पियर, तो डेस्पियर अल्टरनेटिंग होपफुल में आप हम इसको अल्टरनेट करके लगा सकते हैं। जैसे वो डेस्पियर में था पेशेंट बिल्कुल ही, उसको ये लगता था कि मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो मेरे से बात करने के बाद और मेडिसिन के बाद भी उसको, तभी उसको ये लगा कि नहीं मैं तो ठीक भी हो सकता हूँ। ये पेशेंट जनरली आपको ऐसा ही बताएंगे, ऐसा ही आपको लगेगा कि पेशेंट एकदम से बिल्कुल ही डेस्पेयर हो जाता है, और थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट मिला तो उसको आशा की किरण आ जाती है। वो मेडिसिन की वजह से भी हो सकती है, किसी के आश्वासन की वजह से भी हो सकती है, और किसी के कहने के पर भी हो सकता है। कोई भी उसको दिलासा दे तो भी उसको ये लगता है कि शायद मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि दिलासे की उसको आस हमेशा बनी रहती है। कैरेड एंड कैरेस डिजायर, ये लगातार ही इसकी पिक्चर में घूमता जाएगा। आप कोई भी पेशेंट इसका देखेंगे, उसमें ये सिम्टम तकरीबन आपको ये मिलेंगे, कि
और हम लोग इन्हीं ही सिम्टोम के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। तो एकोनाइट देने के बाद उसको मैंने 15 दिन के बाद भी बुलाया था कि मेरे को पता चले, मेरे को भी डॉक्टर साहब कि शायद ये पेशेंट कैसे ठीक हो जाएगा, इतना एडवांस केस है, उसको भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती थी, बिल्कुल बेचैनी बहुत रहती थी। तो हमने ट्राई किया एकोनाइट उसमें, तो 15 दिन के बाद जब पेशेंट आया, तो अभी मेरे पास उसकी कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं है, उस टाइम में हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम भी नहीं होता था, तो हम ऐसी बातें सुनते थे, उसको लिखते थे, हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते थे, सीनियर्स के साथ, जैसे डॉक्टर मान साहब हैं, शायद इनके साथ भी मैंने ये बात शेयर की होगी कभी। तो 15 दिन के बाद में पेशेंट आया, तो उसको ये लगा कि मेरे को भूख लगनी शुरू हो गई है, उसको कॉन्स्टिपेशन थी, वो कॉन्स्टिपेशन उसकी ठीक हो गई थी। तो उसमें पेशेंट में उसका HB बढ़ रहा था थोड़ा सा, और जो गांठ थी जिसकी वजह से जो पेशेंट हमारे पास आ रहा था, उसको ये लगा कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो रही है, वो सॉफ्टनेस आने की वजह से पेशेंट को ये लगा कि मैं ठीक हो रहूँगा। क्योंकि अदरवाइज जब जो पेशेंट सिम्टम आपके पास लेकर आया है, अगर वो सिम्टम डिजॉल्व नहीं हुआ या उसमें कोई भी कमी नहीं हुई, तो पेशेंट की आशा कभी भी नहीं बनेगी, उसकी आशा उसी बात के ऊपर बनेगी जो बात ने उसको मजबूर किया आपके पास आने के लिए। तो गांठ में थोड़ी सी सॉफ्टनेस आने की वजह से उसको ये लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, उसकी वही जो डेस्पियर थी वो होप में चली गई। उसके बाद हमने कोई भी मेडिसिन उसको चेंज नहीं किया, 15 दिन के बाद फिर चेक लेके दिया, फिर बुलाया, तो फिर उसके में और इम्प्रूवमेंट आई, उसको नींद अच्छी हो गई, बहुत अच्छी नींद हो गई, तो भूख लगने लगी, ज़्यादा अच्छी भी भूख लगने, पहले से भूख लगी, रेस्टलेस वो तकरीबन तकरीबन वो 50% से भी ज़्यादा कम हो गई 1 महीने के बाद में। वो पेशेंट कम से कम मेरे पास 6 महीने उसका रिकॉर्ड चलता रहा, लेकिन उसने कोई टेस्ट भी नहीं करवाया। वो मैंने उसको बोला था कि आप पहले CMC से ट्रीटमेंट चलता था आपका, जिन्होंने बोला कि इसको घर में ले जाओ और घर में इसका भी देखभाल करो, आप इसकी सेवा करो पेशेंट की। तो मैंने उसको ये बोला था कि आप उनके पास एक बार फिर से चेकअप कराएं, तो मेरे को भी ये था कि इस पेशेंट का रिकॉर्ड हम रख सकें, या हमें मरीज को भी पता चले कि वो कैंसर कितना ठीक हुआ है। लेकिन उसने कभी भी चेक नहीं करवाया, वो वहाँ पर गए ही नहीं, मेरे कहने के बाद भी नहीं गया, लेकिन वो पेशेंट आज भी जिंदा है, ये कम से कम 10 साल की बात है, आज भी वो वैसे ही चलता है, बिल्कुल ठीक है। और भी पेशेंट उसने भेजे, उसमें किसी में इम्प्रूवमेंट आई भी, किसी में नहीं भी आई, लेकिन वो एकुनेट का केस जो मैंने देखा वो कमाल का था। ये कमलजीत सिंह का नाम है, अगर मेरे पास कोई रिकॉर्ड तो इसका नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत कोई स्लिप शायद पड़ी होगी उसकी, वो मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, अगर मिली तो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। तो एक पेशेंट और मैं जो एकुनेट का देखा, एकुनेट कहाँ इतना अच्छा काम करती है लीवर में, सर सॉरी टू डिस्टर्ब, पोटेंसी क्या थी सर? थर्टी पोटेंसी प्लेंसी दी थी पोटेंसी सर, 30 प्लेंसी दी थी मैंने, 30 प्लेंसी दी थी। ओके उसके बाद मैंने उसको रिपीट भी नहीं किया, पता नहीं मेरे को टाइम ही नहीं लगा उसको रिपीट करने का, मेरा मन ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को लगता कि शायद ओवर रेपिटेशन से कहीं कुछ खराब ना हो जाए। पेशेंट इंप्रूव ही करता गया, इंप्रूव ही करता गया, 6 महीने तक वो मेरे पास आता रहा, उसके बाद वो पेशेंट नहीं आया। वो मेरे को अब भी पता चलता है कि वो गुराया गुराया हमारे इधर लुधियाना के पास एक छोटा सा शहर है, गांव है, तो वहाँ का वो पेशेंट था, और उसी गांव से और भी पेशेंट आते हैं, वो बुलाते हैं कि कमलजीत ठीक है, वो अभी ठीक चलता है, वो ठीक ठाक उसका जीवन चल रहा है। उन लोगों से मेरे को पता चला कि वो आदमी बिल्कुल ठीक है, और उसने टेस्ट नहीं करवाया। अगर वो टेस्ट करवाता शायद हमारे पास कोई ना कोई ग्राउंड उसका और क्लियर होता कि हमने ये ठीक किया है। हाँ जी सर, क्या पूछ रहे आप? थैंक यू सर। हाँ, जो नेक्स्ट हम लेबर में जो फियर लेबर ड्यूरिंग हुआ है, फियर ऑफ डेथ लेबर ड्यूरिंग, ये मैंने कम से कम 4-5 बार ये रूब्रिक को यूज किया है। जो कभी भी ऐसा होता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो प्राइमरी ग्रेवेडा होती है पेशेंट होता है, तो जनरली हर केस में तो नहीं होता, लेकिन कोई कोई पेशेंट आपके पास प्रेगनेंसी भी की जो लास्ट टर्म होती है उसमें आते हैं, ये जनरली ज्यादातर पेशेंट वो प्रेगनेंसी के लास्ट टर्म में आते हैं, उनके बोलते हैं सर मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे को बहुत ही डर लग रहा है कहीं कुछ हो ना जाए। उसको हम प्रेगनेंसी फियर डेथ ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग, फियर ऑफ डेथ लेबर ड्यूरिंग, ये मैंने कई बार इसको लिखा है,
इसको हम डेथ प्रेजेंट प्रेजेंटमेंट के भी लगा सकते हैं कि उसको लगता है कि मेरी मौत हो गई। प्रेजेंटमेंट क्या होता है, उसको आभास होता है इस बात का कि मेरी मौत हो जाएगी, वो मौत से डरता है। और लीवर में तो बहुत ही अच्छा मैंने काम देखा है, जेलसीबीम और ये एकोनेट का तो मेरे पास कम से कम 5 पेशेंट के करीब तो होंगे जिनको मैंने ठीक किया। और जो बहुत अच्छा उसमें एच बी इतना कम हो रहा था पेशेंट का, वो हमारे पास बुगरा बुगरा पिंड है, एक हमारे साथ में है, वहाँ का पेशेंट था। उसने बोला कि सर मेरे को बहुत ही घबराहट होती है हॉस्पिटल जाने से, परसों शायद मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि मेरी डिलीवरी होगी, उस डिलीवरी के बारे में सोचकर कि मेरे को बहुत चिंता हो रही है कि इतना पेन कैसे सहन हुआ, कहीं मेरी डेथ ना हो जाए, कहीं मेरे को कुछ हो ना जाए। ये बड़ा ही सिम्टम है। और आप लोग कभी भी ऐसा सिम्टम आपको लगे और प्रेगनेंसी के दौरान आपको अगर पेशेंट ऐसा बोलता है, तो मेरे ख्याल में कभी भी ये ना चूकने वाली मेडिसिन होगी। अगर ये सिम्टम तो अगर ये लक्षण पेशेंट आपको बताता है और ऐसे ही पेशेंट आपसे बात करता है, तो ये मेडिसिन पूरा काम करेगी। उसमें इसमें हम यही लेते हैं कि वो उसमें भी काम करेगा। ये तो लगातार ही इस जर्नी में पेशेंट का जो सिम्टम है वो चलता जाएगा। पेशेंट को क्या है कि मैं कैरी हो जाऊं, मेरे साथ कोई मेरे को अच्छे से ठीक कर दे, अच्छे से मेरे को कोई मेडिसिन बता दे, या अच्छे से मेरे को इसका कोई सॉल्यूशन बता दे। वो कैरी डिजायर फास्ट एंड कैरेसिस डिजायर है, वो वहां पर हर पेशेंट में ऐसे ऐसे साथ साथ में ये चलता रहेगा। फियर ऑफ डेथ प्रेजेंटमेंट ऑफ फियर डेथ ऑफ लेबर ड्यूरिंग, ये हमने बात की आपसे, फियर पेन फ्रॉम, वो भी पेन का डर उस पेशेंट में मैंने देखा था। तो ये पेशेंट 4-5 पेशेंट इस रूब्रिक के साथ मैंने उनको ठीक किया था। तो दूसरा हम देखते हैं कि होपफुल अल्टरनेटिंग विद डेथ फियर, वो भी हमने कमजीत के बारे में आपको बताया था कि पेशेंट को बिल्कुल ही होपफुल होता है जब उसको थोड़ा सा भी आश्वासन मिल जाता है, जब थोड़ा सा भी उसको ये लगता है मेरे के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, उससे वो डेस्पियर हो जाता है, एकदम लगता है कि शहर में नहीं हूँ। उसमें ना उम्मीदी और उम्मीद, थोड़ी सी बात से उम्मीद साथ साथ चलती है। ये एकुनेट का खास सिम्टम है। और ये 3-4 सिम्टम जो हैं, सिम्टम तो बहुत हैं लेकिन हमने कभी यूज नहीं किए, हमने मेरे को पता नहीं है कि उनको कैसे यूज करना है। आप में से और हमारे सीनियर्स में थे जो हमारे जूनियर है उनमें से जो भी लोग यूज करेंगे वो हमारे साथ शेयर करना कि और एकुनेट और भी कहाँ कहाँ काम आती है। तो मैंने ये पेशेंट के साथ ये 4-5 पेशेंट मैंने ठीक किए थे। एक पेशेंट और भी मैंने देखा एक जगह पे, जो डिल्यूजन डी फॉर्म सम पार्ट ऑफ द बॉडी है, उसमें एक सेवाडेला मेडिसिन है, उसमें उसका भी मैंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा था। उसका रिजल्ट था कि थ्रोट में प्रॉब्लम थी पेशेंट को, उसके थ्रोट में उसको इतनी स्वेलिंग आ गई थी कि कोई स्वॉलिंग मुश्किल हो जाती थी, बिल्कुल ही अंदर कुछ नहीं जा रहा था। लेकिन उसने एलोपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो हमारे संगरूर में डॉक्टर बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, उनके पास वो गए थे, ENT के थे डॉक्टर साहब। तो उन्होंने उनको उस टाइम में पेंसिलिन के इंजेक्शन रिकमेंड किए थे और कोई कैप्सूल वगैरह दवाइयाँ दी थी। लेकिन उस पेशेंट की इतनी हालात गंभीर हो गई थी कि उसको पानी पीना भी मुश्किल लग रहा था, उसको ये लग रहा था कि शायद इस बात से तो मेरी डेथ हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं बचूंगा। तो मेरे को सेवाडेला के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता था। तो सेवाडेला के बारे में पता नहीं था, मैंने कभी यूज नहीं किया था। लेकिन जब ये डेथ के बारे में हम पढ़ रहे थे उसमें एकुनाइट का ये रूब्रिक भी आया था, डिल्यूजन बॉडी डिफॉर्म सम पार्ट ऑफ दाइस, तो उसमें सेवाडेला मैंने देखी थी। तो मैंने सोचा कि सर इसको भी देखा जाए। तो सेवाडेला को जब हमने पढ़ा, उसका एक बहुत ही बड़ा सिम्टम, बहुत ही अच्छा सिम्टम था, जो वो पर्टिकुलरली थ्रोट के ऊपर था। वो मेरे को अभी पूरा क्लियर सिम्टम जा नहीं है, डिल्यूजन थ्रोट डिजीज ऐसा कुछ सिम्टम है थ्रोट में है ये, कि ये बहुत भयानक रूप मतलब धारण कर लेगी, ये जो गले की बीमारी है वो अभी मेरे पूरा कंप्लीट जान नहीं है। वो सेवाडेला का रूब्रिक है, उसमें सेवाडेला एक ही है, अकेली है। तो मैंने उस पेशेंट को सेवाडेला देखी, तो जो डिफॉर्म बॉडी पार्ट में, और ये स्टोमक में भी बहुत अच्छा इसका सिम्टम है, इरोजन ऑफ द स्टोमक में, पर लेकिन ये सिम्टम उसमें नहीं था, इसको मैंने अलग से यूज किया था किसी और सिम्टम में।
सेबरडेला 30 की प्रेसी दी उसने, उसको मैंने ये थ्रोट प्रॉब्लम पिल एंड फैटल ऐसा कुछ रूब्रिक है, आप इसको सर्च कर लेना उसमें। तो ये इतना सर, अच्छा ये काम फैटल उसमें है, इसका एंड फैटल होगा कंप्लीट में, इसका रूब्रिक देखा था मैंने। हाँ जी हाँ, तो ये मेडिसिन सेबरडेला देने के बाद में जो पेशेंट बिल्कुल ही पानी पीने से भी समझ नहीं आया, क्या बोले आप? ठीक है, मिला गया मिला गया। अभी सेबरडेला में आप सेबरडेला मैं अभी आपको बता देता हूँ, अभी निकाल के बता देता हूँ। तो वो सेबरडेला जब हमने उस पेशेंट को दी, पेशेंट सेकंड डे ही उसने पानी पीना शुरू किया, ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उसका। सेकंड डे ही पानी पीना शुरू किया और उसने कोई भी मेडिसिन उसने और पेन के अंदर वगैरह जो कुछ भी उन्होंने जूस नहीं किया था। ये अभी मैं आपको देखता हूँ, मेरे को मिले जाए तो उसमें सेबरडेला कंप्लीट रेपर्टरी में एक ही मेडिसिन डाली हुई है। हाँ सर, एक ही मेडिसिन है, मैंने देखा है, स्क्रीन शेयर किया। देख लिया आपने? हाँ सर, देख लिया, देख लिया मैंने। हाँ, अब मेरे को याद नहीं है कि बहुत देर की, ये बहुत देर का सिम्टम था, वो एक्यूनेट के साथ मेरे मन में वैसे ही आ गया। आपसे तभी शेयर किया कि ये बड़ी कमाल की बात थी कि वो एक्यूनेट ने इतना कमाल किया कि सेकंड डे उसने पानी पिया और शाम को उसने थोड़ा सा दलिया भी खाया। और चार पाँच दिन के बाद में मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करिए कि मेरे पास इसको अंदर से देखने का कोई इंतजाम नहीं था, तो भी आप एक बार डॉक्टर साहब से फिर से बात करें, उन्हीं डॉक्टर के पास आप जाकर के उसका चेकअप कराया जाए। जब पिछले चेकअप कराया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ये तो कमाल हो गया, आप 5 इंजेक्शन और लगा लो, ये तो और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। पेशेंट को डॉक्टर साहब ने ये बोला, जो उन्होंने पहले पेंसिलिन के इंजेक्शन दिए थे 5 लगवाने के लिए, वो उसके पास ही थे, उसने अभी डॉक्टर साहब से बात नहीं की, सिर्फ वो चेकअप करवा रहा था। डॉक्टर साहब ने बोला कि सर, डॉक्टर साहब पेशेंट को बोला कि आपका थ्रोट बिल्कुल ही ठीक होने के करीब है, आप बच गए, आप किस्मत वाले हैं, नहीं आप मर सकते, वैसे इतनी ज्यादा इन्फेक्शन पड़ी हुई थी। तो पेशेंट ने क्या किया, वो लिफाफा जिसमें मेडिसिन पूरी डाली हुई थी उनको ये उसके टेबल के ऊपर में बता कर रख करके बताया कि सर ये मेडिसिन मैंने यूज ही नहीं की। डॉक्टर साहब बड़े हैरान हुए, क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ये ठीक हो गया? उसने बोला कि सर मैंने कहीं से होम्योपैथी ली थी। हाँ, उन्होंने बोला शायद हो गया हो, कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन उन्होंने कोई खास रिएक्शन उसके लिए नहीं दिया, क्योंकि ज्यादातर होता है कि अभी तो अब तो आज का समय तो ऐसा आ गया कि हमारे एलोपैथिक जो फ्रेंड्स हैं वो भी हमारे पास हमारे साथ जुड़े रहते हैं और होम्योपैथी को अच्छा मानने लगे हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट उन्होंने देखे हैं। लेकिन उसी बारे में तो ऐसा नहीं था कि कोई भी एलोपैथ होम्योपैथी का कोई करामात है जो जहाँ उसने कुछ किया है उसको मानने को तैयार नहीं थे। तो वो सेबरडेला का केस था जिसने बड़ी कमाल की और मेरे को बहुत ही दर्द कराया और मेरा विश्वास था जो होम्योपैथी में और भी पक्का हो गया। ये उसका थ्रोट का केस था जो मैंने 20-20 में आपको वैसे ही बता दिया। और एक केस और था जो एसिडिटी का केस था जिसमें मैंने सेबरडेला यूज की थी, वो भी यही सिम्टम था, डिलूजन डिफॉर्म सम पार्ट ऑफ द बॉडीज है। उसमें एक और रूब्रिक है जिसमें डिलूजन है कि मेरा शरीर है जो तेजाब मेरे पेट में इतना बनता है कि वो खाना हजम नहीं आता, मेरा शरीर सूख रहा है, मेरा शरीर मुरझा गया है क्योंकि मेरा खाना मेरे को हजम नहीं आता, मेरा चेहरा मुरझा गया है, मेरा चेहरा अंदर चला गया, हाथ पैर मेरे कमजोर लगते हैं, सर इतना तेजाब बनता है, इतनी एसिड बनता है कि इस एसिड ने मेरी खुराक बंद कर दी है, मैं खाना नहीं खाता, मेरे को लगता है कि मेरे पेट में कुछ ऐसे जख्म हो गए हैं। और जब मैंने सेबरडेला को और स्टडी किया और पढ़ा तो इसमें ये सिम्टम भी मेरे को पक्का मिलेगा, इल्यूजन इरोजन ऑफ द स्टोमक, शायद ऐसा कोई रूब्रिक है, मेरे पास नहीं है अभी, आप इसको सर्च करना, इरोजन ऑफ द स्टोमक। इरोजन क्या होता है, इरोजन छिल जाना किसी चीज का, जैसे जख्म होता है, जैसे कोई छोटा जख्म उसको हम खुरद दे, उसको हम झरीट दे, वो छिल जाता है ना, उसको हम बोलते हैं। जैसे उसको ये लगा कि जो जख्म है मेरे के अंदर में स्टोमक में, तो वो छिल गए हैं,
छिल रहे हैं, वो जख्म हो गए अंदर से। ये आपको बहुत ही जनरल प्रैक्टिस में आपको लगेगा कि जनरली पेशेंट कई बार क्या बोलते हैं कि सर मैदे में जख्म हो गए हैं, मेरे मैदे में तो जख्म हो गए हैं। और एसिडिटी वाले पेशेंट ऐसा अक्सर ही बोलते हैं। आप कभी इस बात के ऊपर जरूर ध्यान देकर देखना और इसको भी अप्लाई करके देखना। अगर ये सिम्टोम दोनों आपको मिलेंगे, एक तो लुजन रिफॉर्म वाला भी मिलेगा कि मैदे में कोई ऐसा नुक्स पड़ गया है, कोई जहाँ सूजन आ गई है, जहाँ कोई इसके बॉडी में मैदे की बॉडी में पेशेंट को नहीं पता, वो ऐसा ही एक सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करेगा कि मैदे में सर मेरे मैदे में ना कोई इतना नुक्स पड़ गया है जिसकी वजह से मेरे को खाना हजम नहीं होता, और मेरे को ये भी लगता है यहाँ ये जो आपने लिखा है एड्लुजन स्टोमक अल्सर इसमें भी है। तो वो बोलेगा कि ये जख्म हो गए हैं मेरे पेट में, तो उसकी वजह से मेरा शरीर है जो बिल्कुल ही वो ऐसा है जैसे मुरझा गया होता है। ये सिम्टम भी हमारे पास है, एड्लुजन डिमिनिश में भी लगता है। ये एक और सिम्टम है इसका जो मुरझाया लगता है उसको पेशेंट, उसको ये लगता है कि जो मेरी बॉडी है जो पूरी मुरझा गई है, इसका श्रंकन बोलते हैं हम इसको, डिलूजन फ्रॉम पार्ट ऑफ द बॉडी श्रंकन, विदर्ड, विदर्ड बोलते हैं, जैसे सूख जाना, मुरझा जाना, विदर्ड पार्ट। ये कॉमन सिम्टम है, ये हमने कभी प्रैक्टिस में हम जब देखते हैं ना, ये छोटी छोटी बातें हैं बहुत अच्छा काम आती है। ये विदर्ड फीलिंग तो मैंने कभी देखा ही नहीं था कि इसको भी कभी यूज में आएगा, वही पेशेंट ने मेरे को बता दिया कि इसको ऐसे यूज करना है। वो पेशेंट का चेहरा अंदर बड़ा हुआ था, लमका हुआ था और हाथ पैर उसके इतने कमजोर हुए थे, वो ऐसे ही बोल रहा था सर मेरा चेहरा मुरझा गया है, मेरा चेहरा तो ऐसे हो गया है जैसे बिल्कुल ही कोई पुरानी चीज होती है, मतलब जिसको हम विदर्ड बोलते हैं। विदर्ड क्या होता है, जो अपनी ओरिजिनल कंडीशन से बिल्कुल ही मुरझा जाना, उसमें जान नहीं लगना, उसको हम विदर्ड बोलते हैं। वो पेशेंट बहुत ही कमाल का ठीक हुआ था। ये चार पांच पेशेंट जो मैंने आपको बताए हैं, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, और मैंने उसके बाद में भी कुछ पेशेंट में सेवेडेला कोज यूज किया था जिसकी वजह से वो पेशेंट ठीक हुए। और ये पक्का सिम्टम है, आप इसको कभी नहीं बोलना, ये दो सिम्टम आप लगा करके देखना, आपको पूरी कामयाबी मिलेगी। ये पेशेंट को लगता है कि जख्म हो गए हैं, पेशेंट को लगता है ये, इसमें भी पेशेंट को ये लगता है ये मेरे इतने अल्सर बढ़ गए हैं, इतने ज्यादा डीप अल्सर हो गए हैं कि मेरे को ये बीमारी भी खत्म कर देगी, कोई फेटल एंड ऑफ। वो थ्रोट में तो लिखा हुआ है बुक्स में, पर मेरे को लगा कि यहाँ पर भी यही काम करतीगी करेगी, कि उसको ये लगेगा कि ये बीमारी मेरी जान ले लेगी, मेरे को खा जाएगी, मेरे को खत्म कर देगी। और ये तीनों सिम्टम पेशेंट में बहुत अच्छा आपको काम आएंगे। विदर्ड, जैसे चेहरा मुरझा गया है, बॉडी मुरझा गई है, बॉडी में जान नहीं है, ये सिम्टम। और रिजन सम पार्ट ऑफ द बॉडी डिफॉर्म, उसको ये लगेगा कि मेरे पेट में और मैदे में इतना नुक्स पड़ गया है कि इसका अब ठीक होना मुश्किल है, या उसको लगता है, डर लगता है कि इससे कुछ हो जाएगा। दूसरा डिलूजन, वो इरोजन जो सिम्टम है इसका, इरोजन ऑफ द स्टोमक है, उसमें भी ये सिम्टम काम करता है। ये जो मैंने कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह आपके साथ शेयर किए हैं जो सेवेडेला और एकोनेट के हैं, इसको मैंने इतनी बार यूज किया है अपने प्रैक्टिस में। एक दो बार हमने एक, मैं और भी आपके साथ केस शेयर करना चाहूँगा कि फीवर के केसों में हमारे पास, फीवर के केसेस जब आते हैं हमारे पास भी आते हैं, जो हमारे डॉक्टर मान साहब हैं इनके पास तो बहुत अच्छा रश होता है अक्यूट पेशेंट का। तो मैंने एक बार पेशेंट क्या देखा कि पेशेंट हमारे पास आया, तो आते ही बोला पेशेंट, डॉक्टर साहब डॉक्टर कौन है, डॉक्टर आप हैं। वो इतना मतलब घबराया हुआ था पेशेंट, उसको लगा सर मैं तो बस जग गया अभी, तो मेरे को लगता है इतना फीवर हो गया, 104 बुखार चढ़ा है, प्लीज जल्दी देखिए मेरे को, यही थोड़े से सिम्टम सर, लगता है कि मेरे को कुछ हो ना जाए, आप जल्दी से पहले मेरे को देख लो। मेरे पास दो पेशेंट और बैठे हुए थे, उसने उनकी भी परवानी की, उनको पीछे करके आप मेरे सामने आकर, तो मैंने उसको एकोनेट दी थी, वो पेशेंट 5-7 मिनट में ठीक हो गया था। और मैं आपके साथ एक दो और केस एक शुरू शेयर करना चाहता हूँ कि डेंगू के दिनों में मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो अच्छा नहीं है, मेरे को थोड़ा पता नहीं है कि कैसे हम एजुकेट करते हैं, क्लासेस देते हैं, मैं तो सिंपली बात करता हूँ आपसे जो मैं करता हूँ और मेरे को कुछ नहीं आता। तो एक केस था जो मैं आपसे शेयर करनी चाहता हूँ बात, कि हम लोगों के पास क्या होता है
कि एमरजेंसी में बहुत कम लोग हमारे पास आते हैं। लोगों के मन में ये लगा है कि होम्योपैथी शायद धीरे धीरे काम करती है, स्लो काम करती है, इसलिए एमरजेंसी के बारे में हम लोगों के बारे में कोई पेशेंट सोचता ही नहीं है। और जब से हमारे गुरु जी की कृपा हुई है, डॉक्टर एम एल सहगल साहब की, डॉक्टर संजय साहब और डॉक्टर जी साहब ने हमारे को इतना ज्ञान दिया कि हमारे में ये हिम्मत आ गई कि हम एमरजेंसी में भी पेशेंट को देख सकें। वो पेशेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे साथ में कोई गांव का पेशेंट है, तो मैं नाम उसका नहीं शेयर करना चाहता क्योंकि उसने नाम अपना मेरे से छुपा के रखा था, वो उसकी वजह थी, वो भी मैं आज को बताऊंगा। तो वो पेशेंट मेरे पास जब आया, उसके जो साथ के अटेंडेंट थे, चार पांच अटेंडेंट उसके साथ में थे, वो आते ही पेशेंट मेरे पास सामने उसको उठा दिया, क्योंकि वो पेशेंट एमरजेंसी में था। उसका प्लेटलेट्स काउंट था जो वो 4000 था, 4000 ओनली 4000। ये बड़ी 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 बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी केस देखा नहीं अजीतगंज में। और उसका जो TLC काउंट था वो 1700 था, 1700। तो HV उसका 8 point something था, तो थोड़ा ग्रेव कंडीशन मेरे को लगता था कि ये इसकी कंडीशन बहुत बुरी है। और हमारे धूरी के कोई रिनाउंड डॉक्टर हैं यहाँ के, और बहुत ही अच्छा उनका हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो एडमिट था। पहले वो हॉस्पिटल में चला गया, हॉस्पिटल से उनको जवाब दे दिया पेशेंट को, तो बोला कि आप कहीं बड़े हॉस्पिटल जाइए। वो पेशेंट दूसरे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें चले गए। उसने जब डॉक्टर साहब ने चेक वगैरह किया तो उन्होंने पूरा ब्लड एग्जामिन किया, तो उन्होंने भी उसको रेफर कर दिया कि आप इसको CMC वगैरह या TMC वगैरह अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ, बहुत जल्दी इसको कहीं कुछ हो न जाए। तो हमारे पास क्या था, दो चार पेशेंट कुछ ऐसे जो TLC के बारे में, जो प्लेटलेट्स के, जो डेंगू वगैरह में, हमारे होम्योपैथी में हमारे डॉक्टर्स के पास आते रहते हैं। तो उन्होंने या तो गरीबी की वजह से या कोई और वजह होगी कि उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया कि मेरे पास आ गए। वो शायद उनके पास पैसे नहीं होंगे या उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हो गई, वो पेशेंट को लेकर मेरे पास आ गए। उसकी वाइफ थी साथ में, उसके बच्चे थे साथ में, वो पूरे रो रहे थे क्योंकि डॉक्टर ने उनको ये बता दिया कि ये पेशेंट लुधियाना भी शायद ही पहुंचे, आप जल्दी इसको ले जाओ। पता नहीं वो मेरे पास क्यों आ गए, क्यों उसने मेरे को सिलेक्ट किया। तो आते ही जब पेशेंट बैठा तो बोला कि मेरे को तो कुछ नहीं है। अरे इतनी ग्रेव कंडीशन में मेरे को तो कुछ नहीं है, मैं तो सब ठीक हूँ, ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं होता। तो उसकी वाइफ रो रही थी, उसका बच्चा रो रहा था, और उसका जो रिलेटिव थे साथ में वो भी साथ में आए थे, काफी लोग साथ में आए थे। तो मैंने उसको बार बार पूछा कि प्लीज मेरे को बताइए क्या हुआ आपको। बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तो फिर मैं दवाई किस बात की दूँ आपको? नहीं सर, ये तो ऐसी फिक्र कर रहे हैं, मैं ठीक हूँ। तो मेरे को लगा कि कुछ बात तो है, ये जो पेशेंट मेरे से अवॉइड कर रहे हैं बताने के। तो मैंने उनके जो रिलेटिव थे, उसकी वाइफ थी, उसका बेटा था, उसकी बेटिया थी साथ में, एक और दो और रिलेटिव थे उसके साथ में, 5-6 लोग थे। मैंने उनको बोला कि प्लीज आप बाहर जाइए, मैं इनसे थोड़ा बात करूँ। तो उनको मैंने अपने कैबिन से बाहर भेजा। तो मैंने पेशेंट को बोला कि प्लीज आप मेरे को आप असली बात बताइए कि डॉक्टर ने आपको रेफर कर दिया, सिविल हॉस्पिटल से रेफर कर दिया, इतने अच्छे डॉक्टर ने आपको भेज दिया, आपको लगता नहीं है कि कोई सीरियस बात होगी? सर लगता तो है। तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मेरे को कुछ नहीं हुआ? इन्हें बंद कर दो, बार फोन बंद कर दो, आवाज आ रही है, बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मेरे को कुछ नहीं हुआ? हाँ सर, इसकी वजह है, हाँ मेरे को आप पूरा बताइए। उसने बोला कि सर वो पेशेंट मेरे पास हो गया, खिसक के थोड़ा सा मेरे पास उसने ट्रेवल कर लिया। बोला कि सर आप ये जो आपका जो डिस्पेंसरी है ना, वो दरवाजा खुला हुआ था, तो ये सर बंद कर दिया। मैंने वो भी बंद कर दिया। तो पेशेंट ने बोला कि सर मैं HIV पे पॉजिटिव हूँ। मैंने सोचा कि क्या बात है, अच्छा मैं HIV पॉजिटिव हूँ, तो मेरे जो ब्लड में मैं टेस्ट करवाता रहता हूँ, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को पता नहीं है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। सर मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहता, मैं मर जाऊँ जो मर्जी हो जाए, आप मेरे को दवाई दे दो, अगर मैं ठीक हो जाऊँ तो भी ठीक है, नहीं ठीक होगा कोई बात नहीं, कम से कम मैं इधर मर जाऊँगा आपके पास तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा, मैं वहाँ जाकर मरना नहीं चाहता, आप किसी को बताना नहीं।
उसने बोला कि जब मेरे को ये लोग सीएमसी लेकर जाएंगे या कहीं बड़े हॉस्पिटल में वो टेस्ट करेंगे, जो टेस्ट करेंगे तो लोगों को मेरी बीमारी के बारे में मेरे रिलेटिव को पता चल जाएगा कि मेरे को एचआईवी है, मेरे को मरने का डर नहीं है, मेरे को ये डर है कि मेरी जो पोजीशन है घर वालों में बिल्कुल ही मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे को मरने की बात नहीं है। तो ये सिम्टम थे उस पेशेंट के। तो इस सिम्टम के ऊपर मैंने उस पेशेंट को ब्रेट्रम ऑल दिया था। वो पूरे सिम्टम मेरे वो भी रूब्रिक पूरे याद नहीं है, लेकिन थोड़े से मैं बताता हूँ। एक तो उसका हाई स्पेक्ट्रल रूब्रिक था जिसमें पेशेंट शो कर रहा था, इसमें लगता था कि मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ, चाहे बेशक उसने झूठ बोला लेकिन वो हाई स्पेक्ट्रल शो कर रहा था मेरे को। दूसरा फियर पोजिशन टू लूज इसे वो था उसमें, फिर शायद उसमें रिंग का रूब्रिक भी है, मेरे को वो याद नहीं है, लेकिन मैंने उसको दो तीन रूब्रिक थे, मैं बाद में सेंड कर दूंगा, वो मेरे केस अभी याद आया था। तो ये ब्रेटन आल्ब ने कमाल किया उस पेशेंट को। तो वो 1:30 बजे का करीब का टाइम था, मैंने उसको बोला कि आप ब्रेटन की मैंने 3 डोजेज पेशेंट को देख करके उनको बोला कि आप प्लीज सीएमसी चले जाइए, आप यहाँ पर मत रुकिए, क्योंकि मेरे को भी लगता था कि अगर कहीं यहाँ पर डेथ होगी, हम तो बड़े छोटे से डॉक्टर हैं, और यहाँ पर ऐसा कुछ हो गया तो मेरे को भी दिक्कत आ जाएगी। तो मैंने उस पेशेंट को भेज दिया कि आप चले जाइए प्लीज, और मैं घर चला गया, मैं उनको ये बोलकर चला गया कि आप चले जाओ। तो उसके रिलेटिव वगैरह वहां पर बैठ गए, मैं घर चला गया अपने खाना खाने के लिए। फिर 1.5 घंटे के बाद में जब वापस आया तो वो पेशेंट वहीं बैठा हुआ था। मैं बहुत डर गया पेशेंट को देख करके, कहीं ये तो जाता ही नहीं है, अगर नहीं गया तो इसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी इसमें, और मेरे क्लिनिक में अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा। वो जब मैं उसके सामने से निकल के अपने कैबिन में चला गया तो पेशेंट साथ ही मेरे पास मेरे पीछे पीछे भागा आया, मेरे कैबिन में आ गया। तो उसने मेरे पास ऐसे ऐसे करके कि मेरे को पेपर दिखाया जो रिजल्ट था उसका, 1 घंटे के बाद में टेस्ट हुआ था, उसके 17,000 प्लेटलेट्स बड़े हुए थे। तो 4,000 में हमने ब्रेटन दिया था, 1 घंटे के बाद में शायद 1.25 घंटा 1.5 घंटा भी हो गया होगा, तो उसके 17,000 प्लेटलेट्स थे, और उसके जो 2,000 टीएलसी एचबी में कोई कमी नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन ये दो सिम्टम कवर हुए। और पेशेंट ने बोला कि सर जब आपने मेरे को ये मेडिसिन मुंह में डाल दिया और मैंने 3 बार दवाई ली और 15 मिनट के बाद में मेरे को प्यास बहुत लगी, मेरे को ये लगा कि मैं पानी बहुत ज़्यादा पीऊँ, मैंने 1-2 गिलास पानी के पिए और मेरे को शांति आ गई, फिर उसके बाद मैंने 2 गिलास जूस के भी पी लिए, फिर मेरे को और अच्छा लगा। फिर मैंने अपनी वाइफ को बोला कि भाई मेरे को लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, अब मैं नहीं जाऊँगा, अब पहले हमारा एक बार टेस्ट करवा लीजिए प्लीज़। तो तभी मैं टेस्ट करवाने चला गया, सर ये टेस्ट आपके पास है और मेरे को आप और अच्छी दवाई दे दो ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। और कमाल की बात है कि उस पेशेंट का जो HIV था वो पेशेंट की रेशो बहुत ही कम हो गई है, उसकी जो उसका लोड था वायरल लोड था वो बहुत कम हो गया है। तो और पेशेंट अब भी मेरे पास आता है, वो HIV के लिए मेडिसिन लेता है, लेकिन मैंने उसको ब्रेटन ऑल 30 दिया, उसके बाद 2-4 महीने के बाद पूर्ण उड़ गया। सॉरी मैं ये पहले केस बताना भूल गया आपको, ये 17,000 के बारे में शाम को फिर हमने टेस्ट करवाया, उसमें 37,000 हो गए थे उसके प्लेटलेट्स शाम को कोई 5:30-6 बजे के करीब में, और मॉर्निंग चेक करवाया हमने तो वो पेशेंट के जो प्लेटलेट्स काउंट था वो बढ़कर 98 के करीब पहुंच गया था, और सेकंड डे शाम को फिर करवाया वो 120 के करीब था, वो थर्ड डे कराया वो 170 के ऊपर चला गया, उसके बाद तो वो 2.5 लाख के पास करीब चला गया 3-4 दिन में। वो इतना अच्छा मेरे जीवन का केस था, वो ऐसे ही निकला क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ ठीक हो जाएगा। डर लगता था कहीं फीवर वाले पेशेंट को इतने हाई फीवर में इतनी ग्रेट कंडीशन में देखने से, तो ये जो कृपा हुई हमारे गुरु डॉक्टर सैगल साहब की कृपा है जिनकी वजह से हम उनको हैंडल कर पाए, और ये हौसला भी हमारे दोस्तों के ने दिया और हमारे सीनियर्स ने हमारे को दिया जिसकी वजह से मैं उनको ठीक कर सका। वो पेशेंट इतना अच्छा ठीक हुआ अब भी मेरे पास आता है, अगर पेशेंट की मैं वीडियो भी आपको कभी शेयर करूंगा, लेकिन उसका चेहरा छुपा के रखेंगे हम, उनसे बात भी करवाऊंगा मैं, कभी ऐसा टाइम मिला तो मैं उसको कॉल करूंगा, उसको कॉल किया तो मैं उसको आपके सामने रूबरू भी करवाऊंगा उस पेशेंट को। वो अब भी मेरे पास आता है, उसका वायर लोड बहुत ही कम हो गया और उसका वेट बढ़ गया है, उसकी बहुत अच्छी सेहत है। ये बहुत ही मेरे को एक मेरे जीवन में एक मराइकल घटा, ये सेवाडेला वाला भी और ये भी और एक्ोनेट वाला भी।
हम काम तो डेली करते हैं, डेली पेशेंट आते हैं, कहीं पेशेंट में हम बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं, कहीं में हम फेलर भी होते हैं, और लेकिन ज़्यादातर कामयाबी मिलती है जो माइंड रूब्रिक को चूज करने में। और मेरे को इतना बोलना नहीं आता, पढ़ाना नहीं आता, इसी वजह से मैं बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मेरे को वो कहना नहीं आता कि मैं कैसे आपके साथ शेयर करूँ बातें। और भी बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके बारे में आप हम कभी फिर बात करेंगे, और एक दो पेशेंट हम और शेयर कर सकते हैं अगर आप, हमारा टाइम है अभी तो। टाइम है सर। हाँ, एक पेशेंट मैं और आपसे साथ शेयर करना चाहता था, वो भी डेंगू के दिनों में था। वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो रहा है क्यों, मैंने आपके साथ बात की थी एक्यूनेट की बात करने की, लेकिन एक्यूनेट की और भी बहुत कार ठीक है, वो मेरी अभी जान नहीं है। और एक पेशेंट था हमारे पास डिल्यूजन उसका था कुछ, वो डेंगू में मेरे पास आया था, वो भी बड़ा सीरियस केस था। वो उसके जो प्लेटलेट सेल थे वो 7,000 थे, 7,000 प्लेटलेट थे उसके। तो बच्चा था वो छोटा सा, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी वो एक्सीडेंट में, वो अभी किसी अपने रिश्तेदार के पास में रहता था, अपनी मासी के पास था, छोटा बच्चा, लड़की थी छोटी। तो उसको मैंने ठीक किया, जब उसको जो मेरे पास आया तो उसकी इतनी बुरी हालत थी, वो कोई हमारे शहर में कोई सेवा सोसाइटी है उन्होंने मेरे पास भेज दिया था पैसे दे करके, कोई उनके पास पैसे भी नहीं थे ट्रीटमेंट के लिए। तो जो उसकी इतनी ग्रेव कंडीशन थी, तो वो पेशेंट आते ही मेरे पास जब आया तो मेरे साथ 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 होकर के बैठता था, वो मेरे साथ में चला था। क्या पूछ रहे हैं आप? वो मेरे साथ साथ बैठ के, बच्चा था, तो मैंने उसको पूछा बेटा क्या बात है, वो एकदम से रोने लगे, रोते रोते बोला कि मेरे को तो बहुत ही कमजोरी हो रही है, मेरे को बहुत कमजोरी हो रही है, मेरे से उठा नहीं जाता, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं लेटी रहूं, बस मेरे से उठा नहीं जाता, मेरे को लगता है बस मैं लेटी रहूं। उसने बोला सर मैं ठीक तो हो जाऊंगी, है मैं ठीक हो सकती हूँ, जैसे आदमी एक प्रे करता है, रिक्वेस्ट करता है, छोटा बच्चे की रिक्वेस्ट ऐसे ही होगी। मेरे साथ साथ मेरे बाल को पढ़ के ऐसे बोला कि सर मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना। मैंने उसके सिर पे हाथ पे रख के और उसको साथ में लगा कर बोला कि कोई बात नहीं बच्चे, मैं कोशिश करता हूँ आप ठीक हो जाओगे। तो वो फिर रोने लगी, फिर मेरे साथ फिर से अटैच हो गई वो, कि हाँ अंकल मेरे को दवाई दे दो आप, तो अंकल कोई मेरे को ऐसी चीज दे दो आप जिसमें ना मेरे शरीर में ताकत आ जाए, मैं जूस वगैरह ले लूं, मैं दूध पी लूं, और कोई और भी आप मेरे को अच्छी ताकत की दवाई दे दो जिससे मैं ठीक हो जाऊं। और ये बड़ी छोटी सी बात थी, जनरली पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि हम हमारे को ऐसा कर दो ऐसा कर दो, हम इन्हीं बातों को पहले इग्नोर करते थे, हमने कभी सोचा ही नहीं था, जो हमारे गुरु जी की महिमा है जिन्होंने हमें सोचने पर मजबूर किया, हमें हमारे को बताया कि आपके पास इतना बड़ा खजाना है, ये बातें भी आपके लिए बड़ी बेसकीमती हैं। तो बच्चे का जो सिम्टम मैंने लिया वही कैरी डिजायर टू बी एंड कैरेसिस डिजायर फॉर था, मेरे साथ साथ लगी और साथ लगन के साथ उसको अच्छा फील रहा था। जब मैंने उसको बोला कि कोई नहीं बच्चे आप ठीक हो जाओगे, वो कंसोलेशन एम्बुलेशन में है, वो भी उसको अच्छा लगा, ठीक होना शुरू हुआ। जो एग्जैक्टली सिम्टम था जिसके ऊपर मैंने उसको मेडिसिन दी वो ये था कि टॉनिक डिजर्व था, जिसमें मैंने पैरासिटामोल पड़ी थी, शायद आजकल और भी कुछ मेडिसिन ऐड हो गई होगी, मैंने देखा नहीं है। और दूसरा सिम्टम था बैड डिजायर टू रिमेन, ये तीनों सिम्टम थे उसके, बैड डिजायर टू रिमेन इन, टॉनिक डिजायर फॉर, और कैरिड एंड कैरेसिस डिजायर फॉर, ये उसके सिम्टम तीनों थे। तो मैंने उसको पैरासिटामोल लगवाई दी, ये पल्सेटला दवाई जब मैंने दी उसको, उस टाइम में 102 के करीब फीवर था, तो मैंने उसको 3 डोज अपडेट करके उसको घर में भेज दिया। तो शाम को उनका, उसके अटेंडेंट का मेरे पास फोन आया कि बच्ची ने खाना भी खाया, थोड़ा सा हल्का सा खाना लिया और पानी वगैरह भी पिया, और वो उठ के बैठ गई है, जो वो बहुत देर से बिस्तर में पड़ी हुई थी, वो बोलती थी कि मेरे को पड़े रहना है, वो थोड़ा खेलने लगी है उठ के, वो थोड़ा बात करने भी लगी है। और उसके जो शाम को हमने रात को, ये सुबह कोई 11 बजे के करीब की बात की बात थी, तब पेशेंट मेरे पास आया था और हमने री टॉनिक डिजायर था, तो
ये आप कहीं देखना, मेरे को रेपर्टरी अभी याद नहीं है, लेकिन इसमें एक रूब्रिक है उसमें पर्सिटला मेडिसिन है, टॉनिक डिजायर था, मैं ढूंढ के बताऊंगा आपको कभी, लेकिन अभी मेरी याद नहीं है कौन सी रेपर्टरी में है। तो ये उसका मैंने उसको मेडिसिन पर्सिटला दी और शाम को उसका प्लेटलेट काउंट भी बढ़ गया और उसका जो तो फिजिक थी वो भी चेंज होने लगा, तो खाना भी थोड़ा हल्का उसके रात को खाया। सेकंड डे पेशेंट चल करके मेरे पास आ गया, तो बोला कि अंकल मैं अब थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ। उसने सहारा भी नहीं लिया, उसके चेहरे की जो नूर था वो चेंज हो गया। तो मैंने सोचा कि आज भी उसका एक टेस्ट करवा लें हम, तो मैंने उसको बोला बच्चे को कि बच्चे आपका एक टेस्ट और करवा लें। बोला अंकल नहीं प्लीज़, आप मेरे को ना ऐसी दवाई दे दो, मेरे को इतनी जल्दी नहीं है ना, आप इतनी ऐसी ही दवाई दे दो, यही मेडिसिन से मेरे को ठीक कर दो। तो फिर मेरे को लगा कि एक और सिम्टम सामने आ गया, कैरिटिस आई टू बी स्लोली। अरे क्या बात है, पेशेंट तो बोलते हैं कि मेरे को इतनी जल्दी ठीक कर दो, बुखार में प्रॉब्लम में इतनी एंग्विश कंडीशन में इतनी बुरी हालत होती है, जब इतना पेशेंट औखा होता है तो पेशेंट जनरली बोलता है कि मेरे को जल्दी ठीक कर दो, ये तो समझ आने वाली बात है। लेकिन पेशेंट बोलता है कि मेरे को नहीं प्लीज आप टेस्ट वेस्ट मत करवाइए, मेरे को बस ऐसे ही आराम से ठीक कर दो, मेरे को दवाई देते जाइए आप, बस मैं उसी से ठीक हो जाऊंगी। वो फिर अगेन कैरिडिजाइट एंड क्रिसिस डिजायर फॉर है और कैरिडिजाइट भी स्लोली है। और फिर भी मैंने जबरदस्ती सोचा कि नहीं ऐसा नहीं है, बच्चा तो जो मर्जी कहता है। तो सुबह छोड़ करके हमने शाम को फिर टेस्ट करवाया, वो उसका प्लेटलेट इतना कमाल का बढ़ गया कि वो वाइल्ड एक्सपेक्टेशन था। और इतनी पेशेंट को देख करके इन रूब्रिक को अप्लाई करके वो हमारे अंदर में इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हम हर बार यही कोशिश होती है कि हम इन्हीं पेशेंट्स को माइंड सिम्टम के ऊपर मतलब देखें। और मैं करीब 90 से 92 से शायद हम माइंड के ऊपर ही टोटल ही माइंड के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, कभी भी जीवन में सेकंड और दो मेडिसिन या सेकंड डोज नहीं दिया। और एमरजेंसी में भी हम कभी पेशेंट को ऐसा देखते हैं कि 5-10 मिनट में ही इम्प्रूवमेंट पेशेंट को आ जाती है। और पेशेंट को अब तो स्वभाव पड़ गया है, जो पेशेंट दवाई लेने जाता है कभी हम बोल भी देते हैं उनको कि भाई आप फिर आना, कल आ जाना, कोई बात नहीं, आप दवाई लो, नहीं सर हम आपके पास ही बैठे हैं, जब ठीक होंगे तब जाएंगे। अरे कमाल की बात है यार, ऐसे कैसे हुआ? और नहीं सर आपने उस दिन उस पेशेंट को बैठाया तो था, उसको 15 मिनट में ठीक हो गया था, तो अब मैं भी ठीक होकर जाऊँगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि भाई ये होम्योपैथी कर सकती है और ये माइंड सिम्टम के ऊपर ही पॉसिबल है। मैंने क्लासिकल बहुत किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखे हैं, पर ऐसा कमाल भी देखा हमने जो हमने माइंड रूप के ऊपर काम करके देखा है। ये हमारे दोस्तों ने भी सभी ने देखा है, इनके पास भी बहुत अच्छा रश होता है, इसने 2-2 मिनट में ये पेशेंट देखते हैं लोग सब भी, और हम भी ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं। मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग इन रूब्रिक को ट्राई करना जो हमने ट्राई किए हैं, और रूब्रिक भी जो आपके सामने आते हैं उनको भी शेयर करना, जैसे हम लोग शेयर करते हैं, हम लोग अपने दोस्तों में करते हैं। हम पहले क्लासेस भी बैठते थे, हम कुछ लोग स्टडी करते थे, हम शेयर करते थे, ऐसा आप लोग भी ऐसा ही शेयर करें और प्रैक्टिस में जो भी काम की बात आए उसको नोट करें और उसको बताएं। इसके बड़ा पुण्य और यज्ञ कोई नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा मेडिटेशन भी यही है और असल सच कर्म भी यही है कि हम जो हमने को आता है हम सब किसी को बताएं ताकि हर किसी के काम बात आ सके। तो मेरे ख्याल में अपना टाइम हो गया और मैं बहुत धन्यवाद करूंगा आप सब लोगों का, आप सब लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने का, और स्पेशली डॉक्टर राणा डे का।